आज हम मिराल की सेकंड बर्थडे कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको मैं फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मिराल की मेरी सेकंड बर्थडे करनी है गुजरात जाके. तो आज हम जब अपने गाँव में आए हुए थे 2-4 दिन पहले, तो हमने सोचा कि मिराल की बर्थडे जो है ना वो भी गाँव में ही कर लेते हैं. तो आज जो है ना मिराल की बर्थडे है. मैं अभी आपको दिखाती हूँ मिराल जो है ना फोन मुझे दे दे फोन मुझे दे दो. और आज मेरा आज मिराल की तो बर्थडे है ही है, लेकिन आज आयमा की भी बर्थडे है जी. चाहिए फोन, चाहिए फोन आ रहा है फोन भी. मिराल आ रही है चलन जी. मिराल कह रही है कि मेरा फोन मिराल से दे. पीछे कुछ थोड़ी सी हल्की सी डेकोर की थी हमने बच्चों के लिए, क्योंकि हम होता है बच्चों के लिए पता नहीं होता डेकोरेशन का. फुफो है, फुफो को बर्तनों का और ये वो हो रहा है कि हम क्या करें ये ना. तो अच्छा हाँ सच मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में क्या हो रहा है. ये पता नहीं कौन वास्तव है किचन में. मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है. मेरी अम्मा जान के जो है इसके बर्तन खूबसूरत खूबसूरत बर्तन. ये आलू के कटलेट्स बन रहे हैं और ये आलू गोश्त यामी यामी. और बस किचन साफ सुथरा है क्योंकि हम सारा खाना गुजरात से बना के लाए थे और इधर आके सिर्फ सर्व करना था. ये चाचू हैं, चाचू सारी सेटिंग कर रहे हैं. ये आयमा है, ये अब्दुल्ला है, ये सारे मस्त आए हुए सारे खेल रहे हैं. ये मरियम है, ये मैंने व्लॉग में डाला मसला तो नहीं है. और ये बर्थडे थीम है सारा ठीक है. ये पास्ता बन रहा है, बन चुका है. हमने दही भले बनाए हैं. अभी हमने खाना सारा लगा दिया टेबल पर, सब खाना खाने लगे. शो यू खाना सारा कर दिया अपनी मामा के जहेज के प्यारे प्यारे बर्तनों में. ये देखिए मेरे मामा के जहेज के बर्तन है, खाने में ये सारी चीज़ें हैं और सारे मेहमान. लेकिन बर्थडे गर्ल से हम पूछेंगे क्या खाना है. ये प्लेट तोड़ने के चक्करों में और बहुत मार पड़ जानी अगर प्लेट टूट गई है ना मिराल. बर्थडे के बाद हमने थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने के लिए. हो गया ले लिया, तो अब हमने ले लिया. अब हमने अपने कपड़े जो हैं वो ले लिए, जो भी लेने थे. लेकिन कुछ रहते हैं तो वो भी हम जाएंगे एक और शॉप पे. सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो आई हैव जस्ट चेंज माय दुपट्टा. लेट्स गो टू अनदर आउटलेट. सर्दी आज बहुत ज़्यादा धुंध नहीं है, लेकिन वैसे सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है.